कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से वन रेस जालंधर हाफ मैराथन दौड़ जालंधर का आयोजन गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम से किया गया, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर दौड़ करवाई गई, जिसमें 3,000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौड़ का शुभारंभ डिप्टी कमिश्नर जालंधर विशेष सारंगल और पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर किया। इस दौरान प्रसिद्ध मैराथन दौड़ाक फौजा सिंह, निगम कमिश्नर डॉक्टर ऋषिपाल सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस डॉक्टर अंकुर गुप्ता, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा, प्रिंसिपल डॉक्टर जसपाल सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर कैपिटल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सरबजीत सिंह समरा सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी शामिल रहे। सर, यहाँ की व्यवस्था एक नंबर की थी और एक नंबर के रूट थे, ट्रैक जज भी अच्छे थे और यहाँ की व्यवस्था थी ना एक नंबर की थी सर। तो कैसा लगा फर्स्ट आप आए हो? सर बहुत अच्छा लगा था और सबसे अच्छा यहाँ पे ट्रैक जज भी अच्छे थे और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो मैनेजमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, रूट भी बहुत अच्छा था और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एशियन गेम दे विच भी इंडिया नंबर वन है, 100 दे करीब तगमे जिहड़े हैगे आ ओह लैके आ चुकी हैगी है और तुसीं भी अज तगमा हासिल कीता है। कोशिश पूरी है उस लेवल तक जाने के लिए, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़ा ये लाइफ में अप डाउन होता रहता है एथलीट की तरह। मैं भी एक नेशनल प्लेयर हूँ, दिल्ली से खेलता हूँ मैं 10 किलोमीटर। हाँ जी, तो थानू किवें लगे आ जिवें तगमा दा हासिल कीता, तुसीं तगमा हासिल कीता आ, इंडिया भी तगमे लैके आ रहा है? जी सर, मैंने अभी सर जाने का कैसे है? सर मैं अभी स्टेट गोल कर रखा हूँ और 7 से 11 नवंबर तक मेरा नेशनल है, जैसा उसी की तैयारी चल रही है और हो सकता है नेशनल से मेडल लेके आऊँ। ठीक है, और मेरा कहने का मतलब है कि एक हेल्दी स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है और मैं ये चाहता हूँ कि ये एवरी ईयर नहीं, ये हाफ ईयरली हो और उससे इनको मोटिवेट मिलता रहे। जितना लोगों को ज़्यादा चांस मिलेंगे, जितना ज़्यादा अवसर मिलेंगे, उतना ही लोग क्या एक दूसरे से कॉम्पिटिशन की भावना से आगे बढ़ेंगे। और आज की तारीख के अंदर हमारा जो खान पान है, हमारा आउट बैठक है, हमारे लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी लाइफ स्टाइल पहले से जैसे ऐसे नहीं रही है, अभी हमारा फास्ट फूड हो गया, ज़्यादा जंक फूड हो गया यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वेरी कंपल्सरी ये फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो वन रेस जो NGO वगैरह है, जो यहाँ की संस्था है, उन्होंने ये पार्टिसिपेट करवाया है जलंधर के अंदर, रन फॉर जलंधर सेरे पंजाब के अंदर जो ये पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत नाइस है। और इससे क्या लोगों को अवसर मिलेंगे और दौड़ने से 19 प्रकार के फायदे होते हैं। उसके अंदर है हड्डियाँ आपकी मजबूत रहती है, टांगे आपकी मजबूत रहती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके हार्ट के चांसेस कम होते हैं, आपकी कोई प्रकार की बीमारियाँ खत्म होती है, आपको मॉर्निंग के अंदर फुली फ्लैश ऑक्सीजन मिलता है, आपकी आँखें तरोताज़ा रहती है, मतलब हेल्दी के लिए ज़रूरी है। और जो बोला है कि इंसान का सबसे फर्स्ट में है वो मनुष्य के लिए अमीर वही होता है जो हेल्दी है, अमीर वही होता है जो हेल्दी है, अमीर पैसों से नहीं होता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो अमीर है, पैसे होकर के भी हमारे पास में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा किस काम का है। तो मेरा कहना है, वो बोलते हैं एक कहावत है हिंदी के अंदर कि पहला सुख निरोगी काया, आपका पहला फर्स्टली आपका सुख है, फर्स्टली आपका आराम है, फर्स्टली आपका रेस्ट है, आपका हेल्दी होना वेरी कंपलसरी है। बहुत अच्छा लगा, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, हमारे लुधियाना में होती है PAU रन, बट इट वॉज रियली वेल ऑर्गेनाइज इज जलंधर रन एंड कूडोज टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड द स्पॉन्सर्स एंड अ फैबुलस रूट, सेफ्टी वॉज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस विच वॉज गिवन एंड वेरी नाइस, द रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स एंड द ढोल एंड द एनर्जी वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा।